हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन जो है 11वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को इन लोगों का 11वां दिन था, आज 12वां दिन है। तो अब सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी जो है सो भूख हड़ताल करेंगे। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों के सातवें चरण की बहाली के लिए चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पठन पाठन कराया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे थे। आंदोलन को संचालित कर रहे भावी शिक्षक संघ के समन्वयक मीकू पाल ने बताया कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बहाली को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन शिक्षा मंत्री हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। भोजपुर से आए अभ्यर्थी अभिनंदन यादव ने शिक्षा मंत्री से तत्काल पहल कर आंदोलन को समाप्त करवाने की पहल की। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कश्यप ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जो है चलता रहेगा। बीएड उत्तीर्ण शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बुधवार तक शिक्षा मंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर विचार नहीं करते हैं तब गुरुवार से अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आंदोलन में मीकू पाल, मंटू शर्मा, अनीश, नीतीश पांडे, निखिल यादव, अर्चना, प्रियंका, लखिंद्र, वीरभद्र सहित अलग अलग जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद थे। बताते चले कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जिसमें 50,000 से अधिक पद जो है खाली रह गए हैं। तो इन लोगों का कहना है कि बुधवार तक यानी आज तक अगर शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों के मांग पर विचार नहीं करते हैं तो गुरुवार से, कल है गुरुवार, गुरुवार से ये अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षकों के काफ़ी पद खाली हैं। अभी जो छठे चरण का शिक्षक नियोजन हुआ है जिसमें 50,000 से अधिक पद जो है वो खाली रह गए हैं, और नए रिक्ति को जोड़ा जाए तो काफ़ी अधिक संख्या में जो है सीटें खाली हैं। तो इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी की जाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।